नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और जैसा कि आज आपने थंबनेल और टैगलाइन देखा है, मैं बताऊंगा विलफुल डिफॉल्ट बैंक आपको कब घोषित करता है और इसमें क्या कार्रवाई होता है, किस स्टेज के बाद ही अब विलफुल डिफॉल्ट होता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, साथ साथ में अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी एंजल वन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, जाइए लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए, कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों, जैसा कि विलफुल डिफॉल्ट आप पढ़ ही रहे हैं, विलफुल डिफॉल्ट यानी इंटेंशनली डिफॉल्ट, बैंक बहुत छोटे वीडियो में बहुत कम लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब ना करके सीधी भाषा समझाता हूँ आपको कि इंटेंशनली बाउंस यानी जब कोई कस्टमर क्या होता है वो पैसा देना बंद कर देता है और बैंक को उसमें कोई रिकवरी नहीं मिलती है और बैंक को वो अकाउंट क्लोज करना होता है तो वो विलफुल डिफॉल्ट करके क्लोज कर देता है। इसमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो कस्टमर के पास पैसा होते हुए भी वो पैसा नहीं दे रहा है, क्या क्या कंडीशंस आती हैं भैया, कभी उसने कस्टमर ने के पास विजिट हो रही है और कस्टमर का सब कुछ सही दिख रहा है कि भाई गाड़ी घोड़ा सब है, घर वर ठीक है, खाना पीना सही कर रहा है, बहुत ईएमआई नहीं दे रहा है, बहुत प्रेशर करने के बाद भी। सेकेंड, अगर कस्टमर कभी कहीं से गायब हो गया यानी एड्रेस जो दिया था अब एड्रेस तो मिलता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, सेकेंड ये होता है। तीसरा क्या होता है, जब कोई रिकवरी नहीं हो पाती है, ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन में या कार लोन में, बाइक लोन में, ट्रैक्टर लोन में होता है, लोग करते क्या है, ऐसे सब ले लेते हैं और वो सब चीज़ें गायब कर देते हैं। जब लोग रिकवरी करने या सीज़ करने जाते हैं गाड़ी या उनका ट्रैक्टर या उनका बाइक, तो उनको मिलता ही नहीं है, वो बोलते हैं भैया वो कहीं खो गया है, हमने भेज दिया है, यहाँ है नहीं, बाद में आएगा, कोई लेके गया है, तो बाहर फला फला बहाने बना देते हैं। तो जिन केसेस में कस्टमर की कोई रिकवरी नहीं हो पाती है यानी कोई बैंक अपना पैसा नहीं ले पाता है, जिसके लोन दिया है वो एसेट नहीं ले पाता है और बैंक भी थक हार जाता है कि भैया अब यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसको कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट। बैंक विलफुल डिफॉल्ट करने के बाद अपना जो अकाउंट होता है क्लोज कर देता है। बहुत सीधी भाषा में आपको समझा दिया, अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।